हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्नेह आशीष। आप सबको इलेक्ट्रिकल लैंडमार्क में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है, हम लोग कैसे ये जो इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर होता है वो कॉन्टैक्टर को कैसे चेक किया जाएगा। हम लोग मल्टीमीटर का सहायता से हम लोग आज ये इलेक्ट्रिकल कॉन्टैक्टर चेक करने वाला है। हमको कैसे पता चलेगा जो ये हमारा कॉन्टैक्टर खराब है क्या सही है, तो वही हम लोग आज चेक करने वाला हूँ। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबको ही पता होगा जो कॉन्टैक्टर कैसे काम करता है। नहीं तो हमारे चैनल में ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है कॉन्टैक्टर के ऊपर से, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे देंगे, आप लोग उधर जाके देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज देखेंगे तो कैसे कॉन्टैक्टर को हम लोग चेक करते हैं मल्टीमीटर का सहायता से। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो हमारा जो कॉन्टैक्टर है, मेरे पास दो कॉन्टैक्टर है, ठीक है। दोनों का क्या होता है क्या नहीं होता है मैं बताएंगे, वीडियो में बनते रहिए, जरूर जानेंगे हम लोग। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग कॉन्टैक्टर कैसे चेक करेंगे। हमारा कॉन्टैक्टर का अंदर एक कॉइल आता है, तो वो कॉइल हम कॉइल में पावर देना पड़ता है। जब कॉइल में पावर जाएंगे तब हमारा कॉन्टैक्टर का अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, तब जाके हमारा कॉन्टैक्टर काम करने लायक होगा। तो अभी इधर पहले हम क्या करेंगे, मेरा कॉन्टैक्टर में मैं पावर दे चुका हूँ लेकिन कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा है। तो हमको पहले क्या करना पड़ेगा, ये दोनों है ना, जैसे A1 A2 आप सबको दिखाई दिया होगा, ये देखिए A1 A2, ये दोनों जो कॉन्टैक्टर का टर्मिनल पॉइंट है, ये हमारा कॉयल का टर्मिनल पॉइंट आता है, जो अंदर रहता है वो कॉयल का टर्मिनल पॉइंट है। तो पहले हमको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक है, बाद में हम आएगा इसमें ये चेक करेंगे। तो चलिए हम लोग आज जान लेते हैं कैसे ये चेक किया जाता है। मैं एक मल्टीमीटर ले लिया, तो उसको मैं सेटिंग कर देंगे रेजिस्टेंस में। मैं रेजिस्टेंस वैल्यू पहले चेक करेंगे, ठीक है, रेजिस्टेंस वैल्यू पहले चेक करेंगे। तो पहले देख लीजिए, हम पहले मेरा कॉन्टैक्टर सही है कि नहीं है ये आपको पहले देखना पड़ेगा। जैसे आप पावर दे चुका है लेकिन आपका कॉन्टैक्टर काम नहीं कर रहा है, तब आपको पहला ही करना है, ये जो A1 A2 टर्मिनल है वो कॉयल का आता है, ये पहले ये चेक कर लेना है। तो ये हम पहले चेक करेंगे मेरा कॉन्टैक्टर का। देखिए फ्रेंड्स, आप दिखाई दे रहा होगा क्योंकि वैल्यू एक आ रहा है, जिस इतना एक वैल्यू दिखा रहा है, एक वैल्यू दिखा रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है, दिखा रहा है, मतलब मेरा ये कॉन्टैक्टर अभी कॉयल कॉन्टैक्टर का अंदर जो कॉयल है वो सही है, अभी ये सही है। लेकिन आपको इसके बाद क्या है, मेरा कॉन्टैक्टर तो चालू हो गया लेकिन मेरा ये जो है टर्मिनल पॉइंट है, ये जो कॉन्टैक्टर का जो टर्मिनल पॉइंट, जैसे L1 L2 L3 फिर इधर आ गया टर्मिनल 1 टर्मिनल 2 टर्मिनल 3, ये जो है मैं इधर कनेक्शन किया, जैसे जो मेन काम इसका जो होता है, इधर हमें इनपुट करेंगे इधर आउटपुट होगा, ठीक है, इधर इनपुट करेंगे इधर आउटपुट होगा, वो चीज़ हम इधर तो इनपुट किया है लेकिन इधर आउटपुट नहीं हो रहा है कि नहीं, वो भी चीज़ आपको चेक करना है। क्योंकि मैं कॉइल चालू हो गया, सब कुछ चालू हो गया लेकिन इधर आउट हो रहा है कि नहीं, वो भी आपको चेक करना है। तो चेक करने के लिए मैं क्या करेंगे, ये जो है ना, जैसे L1 और T1 हम इसमें चेक करेंगे, ठीक है, इसमें चेक करेंगे। इसमें चेक करने के बाद देखें, कॉइल जब चालू होगा ना, ये वाला जो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये अंदर तरफ जाएगा, अंदर का तरफ ये जाता है, तो हम इसको प्रेस करेंगे। देखिए हमको कॉन्टिन्यूटी शो कर रहा है, ठीक है, तो मेरा ये वाला कॉन्टैक्टर सही है। फिर इसमें आएंगे तो ये वाला टर्मिनल भी मेरा सही है। ऐसा करके आपको सब चेक करना है। देखिए तो दोस्तों, जितना कनेक्शन टर्मिनल पॉइंट है आपको चेक कर लेना है, ठीक है, क्योंकि ये मेरा NO कॉन्टैक्ट है, तो जब मैं NC होगा तब हमारा कॉन्टिन्यूटी शो करेगा, ठीक है। तो अभी ये तो मेरा आपको देख ले, लेकिन ये एक कॉन्टैक्टर मैं दिखा रहा हूँ, ये जो कॉन्टैक्टर है इसमें ये ऑक्सीलेटरी कॉन्टैक्टर है, जैसे कोई कोई ऑक्सीलेटरी पॉइंट होता है, जैसे ये देखिए, ये मेरा NO कॉन्टैक्ट भी है और NC भी है इसमें। तो आपको उस टाइम क्या करना पड़ेगा दोस्तों, जैसे ये आप देख लिया होगा जो इसका A1 A2 का पॉइंट, तो इसको भी मैं A1 A2 चेक करने जाएंगे। जैसे ये देखिए, ये है हमारा A1 A2 पॉइंट, ठीक है, मैं इसमें चेक करेंगे, लेकिन देखिए इसमें कोई भी मेरा वैल्यू नहीं बता रहा है, ठीक है, जैसे देखिए इसमें कोई भी मेरा वैल्यू नहीं बता रहा है, तो मतलब ये मेरा जो अंदर का जो कॉयल है ये खराब है,
ठीक है, अभी आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ। जैसे ये जो है ना, ये कॉइल में मेरा इधर इनपुट देंगे, ये इधर आउटपुट होता है, ठीक है। L1, L2, L3, T1, T2, T3, इसमें मैं इनपुट करेंगे, इधर आउटपुट होगा। तो ये तो मेरा फ्रेंड्स आपको बता रहा हूँ, ये तो हमारा NO कॉन्टैक्ट है, लेकिन इसमें NC कॉन्टैक्ट भी रहता है। जैसे ये है हमारा NC कॉन्टैक्ट, देखिए, ये भी फ्रेंड्स थोड़ा प्रॉब्लम ही है इसमें, ठीक है। देखिए ये वाला टर्मिनल सही है, ये वाला कॉन्टैक्ट सही है, लेकिन ये जो हमारा NC कॉन्टैक्ट है, ये थोड़ा बिगड़ा हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस आ रहा है लेकिन आवाज़ नहीं आ रहा है, वैल्यू तो दिखा रहा है लेकिन आवाज़ होना चाहिए, क्योंकि शॉर्ट होना चाहिए, नहीं तो ये सही से काम नहीं करेगा। मेरा जो ये कॉन्टैक्टर, ये ख़राब है। आपको अंदर से दिखा रहा हूँ NC कॉन्टैक्टर कैसे है और NO कॉन्टैक्टर कैसे है। जैसे आप देख लीजिए, जैसे ये है ना, मेरा ओपन है, नॉर्मली ओपन है, मतलब NO कॉन्टैक्ट है, ठीक है। देखिए ये सब, जब मेरा कॉइल अंदर चालू हो जाएगा, कॉइल में जो पावर देंगे A1 A2 में, तब क्या होगा, ये अंदर का तरफ जाएगा, ठीक है, ये अंदर का तरफ जाएगा, ऐसा अंदर का तरफ जाएगा, कॉइल चालू हो जाएगा, फिर जब कॉइल में पावर में देना बंद हो जाएगा, तब जाके बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये मेरा कॉन्टैक्टर ख़राब हो चुका है, तो सेम सिस्टम इसका अंदर भी है। ये जो तीनों दिख रहा है आपको, ये नॉर्मली ओपन है, और जब NC मतलब ये दोनों जो NC है ना, ये ऐसा टच है अंदर, ठीक है, ये नॉर्मली क्लोज है। तो फ्रेंड्स आपको समझ गया होगा आप लोग कैसे चेक किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो का रिलेटेड कोई इंक्वायरी रहेगा तो हमारा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बता सकते हैं। प्लीज़ हमारा ये चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए। तो दोस्तों थैंक यू। We'll be right back.